अरे जो आरो ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा हो जा, जो मारो ने बड़ा तके वो एक दिन शुक्र करूं साई का, धन का भूखा कोई नहीं, जग भूखा मान बड़ाई का, अपने मन में बड़ा तकूं मेरी है बेटा ताई का, कुर्सी ऊपर बैठा लिया फिर हाथ पकड़ भाई का, करूं समझ के बात भाई का, करूं समझ के बात भाई का, रज में बोल पड़ा होगा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। यानी कि यह भी सच्चाई है कि जो दूसरों का बड़ों का सम्मान करता है यह परमात्मा उसी को इस दुनिया में सम्मान लायक बनाता है, और जो बड़ों का सम्मान नहीं करता उसका भी सम्मान कभी नहीं होता। इसलिए दूसरी गली के माध्यम से किस तरह का भाव, किस तरह का भाव युधिष्ठिर के मन में दुर्योधन के प्रति था, कैसे बोला और क्या कह कुर्सी ऊपर बैठ में बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास, तेरे कदमों में तेरे हुक्म से दूर नहीं, तेरे हुक्म से दूर नहीं, हर सांस तेरे कदमों में, तन मन धन से दुर्योधन योद्धा तेरे कदमों में, हूं करने ने त्यार बता, अरे हूं करने मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आपके बीच में खड़े होने का सौभाग्य हमें मिला है। जब कलाकार टीम में चार पांच अगर रह जाते थे तो गुरुजी का यह नुक्ता कि चारों को एक ही रागनी में शामिल कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं,
सबका मन रखते हुए, और इसलिए इसी अंदाज में अब हमने दो कलाकारों ने रागनी सुनाई है। अगर इस तरह का मेल आपको पसंद आ रहा है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर आशीर्वाद के रूप में हो जानी चाहिए। और तीसरी कली के माध्यम से किस तरह से वो धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन से क्या कह रहे बोला, अरे क्या कारण है आने का, क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते हो करने न त्यार बताओ, जो करवाना चाहते घर बैठे ही चढ़ जाता, घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे, जो सिर हुक्म चढ़ाते तकलीफ करी यहाँ आने की, इस दास को वही बुलाते, इतनी कह के रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, वापस आज धड़ा होगा, जो करो न बड़ा तके वो एक दिन या बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म धड़ा होगा, जो करो न बड़ा तके। कोई ना कोई बात सीखने और समझने लायक है, कोई ना कोई क्या सारी बातें सीखने समझने लायक हुआ करती है। बड़े दिमाग से कवि रागनी को लिखता है। तीन कली आपने सुनी, अनेकों रागनी आपने सुनी, लेकिन एक बात ध्यान में धर लेना, हर बुजुर्ग हर नौजवान हर मेरी माता बहन समझ लेना अच्छी तरह से इन बातों को। ये चार लाइन अंत में कवि ने किस्से से भी जोड़ी और हमारे जीवन में भी काम आने वाली बात लिखी है। जो लाइन पसंद आ जाए तो फिर ताड़ियों से अपना आशीर्वाद जरूर दे देना। चौथी व अंतिम कली के माध्यम से एक एक बोल समझने लायक सुनने लायक कैसे बोला। वहाँ जाना ठीक नहीं होता, जहाँ जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता, ज्ञान ध्यान के भजनों में, ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता, जहाँ सुनने वाले मूर्ख हो वहाँ गाना